नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, डिंपल यादव भी अडानी मामले में कूद पड़ी है। जी हाँ, यहां पर राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ था, उसके बाद डिंपल यादव का जो भाषण है लोकसभा में वो शुरू हो गया था, और डिंपल यादव जमकर बरसी है मोदी प्लस अडानी पर। क्योंकि देखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष पहले से ही अंबानी अडानी को बीजेपी के साथ जोड़ता है, और आज तो देखिए काफी सारे जो आरोप है विपक्ष के वो भी लगे हैं, और साथ में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो तब मोदी प्लस अडानी के नारे भी लग रहे थे। अब क्या हुआ कि जब डिंपल यादव ने भाषण शुरू करा तो भी सारे विपक्ष के नेता सुन रहे थे डिंपल यादव को। डिंपल यादव ने भी जमकर भाजपा को आरोपी ठहराया था अडानी मामले में, कि अडानी को जानबूझकर फायदा दिया गया है ताकि इलेक्शंस में अडानी भाजपा की मदद कर सके। और क्या कुछ कहा डिंपल यादव ने, सुनिए उनकी जुबान। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं आदरणीय सभापति जी का धन्यवाद देती हूँ, जहाँ राष्ट्र की विविधता और अधिक उज्जवल होने की बात कही गई है, वहीं देश की एकता मजबूत और अटल होने की भी बात करी गई है। हम सभी सांसदगण इस बात को मानते हैं, इस बात से सहमत हैं, लेकिन लगभग एक दशक से जिस विश्वास के साथ देशवासियों ने दो बार एक स्थिर सरकार चुनी है, जहां आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई है, जहां भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कही गई है, जहां स्मार्ट सिटी की बात कही गई है, जहां काला धन वापस लाने की बात कही गई है, वहीं आज हमारे समक्ष हिडनबर्ग की भी रिपोर्ट आई है, जहां मैं समझती हूं कि सरकार प्रतिबद्ध है देश के प्रति, कि उसे जवाब देना पड़ेगा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या सच्चाई है, जहां हमारे किसानों ने 2014 में ये आस जागी थी हमारे किसानों की, कि ये आप लोगों ने विश्वास दिलाया था कि उनकी आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, वह किसान। तो देखा कैसे आपने, डिंपल यादव ने जमकर हमला बोला है भाजपा पर, कि भाजपा जो है वो अपने उद्योगपति दोस्तों का काफी फायदा उठाती है, और साथ ही साथ देखिए कि इलेक्शंस में उन्हीं के पैसों से जीतती है सारे के सारे इलेक्शंस। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा का इस पर जवाब क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।